जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी एरिना में। और दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश वोकैबुलरी, जो कि सीजीएल, सीपीओ मेंस, सीएचएसएल, आईबी या फिर किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज हम करेंगे फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पार्ट नंबर 13। और पार्ट नंबर 1 से लेकर के 12 तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाइए और जा कर के देख सकते हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हैं एसएससी एरिना। आप एसएससी एरिना में जाइए और फिर उसके बाद आप सारे के सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हमारा जो पहला वन वर्ड है वो है वन हु लिव्स सर्वाइव्स ऑन अदर लाइव्स। ठीक है, यानी उसको क्या कहते हैं जो दूसरों की जिंदगियों पर निर्भर करता है, उसको कहते हैं पैरासाइट, यानी परजीवी। जैसे देखिए, बहुत जैसे कई एलियंस को पैरासाइट के नाम से आपने मूवीज में देखा होगा, या फिर कई ऐसे ऐसे कीटाणु होते हैं, कई ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, किसी की डेड बॉडी पे डिपेंड करते हैं। कोई चीज़ मर जाती है तो उसको जाकर के अपना खाना बनाते हैं, तो उनको पैरासाइट बोला जाएगा। बहुत सारे जानवर होते हैं जो अपना खाना ही दूसरों की जिंदगियों को लेकर के बनाते हैं। पहले वो दूसरों को मार देंगे, फिर जा कर के वो उसे खाएंगे, उसी पे डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे 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 बीइंग को कहा जाता है पैरासाइट, यानी कि परजीवी। अगला देखिए, द स्टडी ऑफ मेंटल डिसीज। ठीक है, यानी उस पढ़ाई को क्या कहते हैं जिसमें मेंटल डिसीज की पढ़ाई की जाती है, तो उसे कहते हैं साइकोपैथोलॉजी। देखिए, लॉजी का मतलब हो गया स्टडी, पैथो का मतलब हो गया फीलिंग्स या बीमारी, और साइको मतलब हो गया ब्रेन। साइको मतलब हमारे ब्रेन से संबंधित, पैथो मतलब फीलिंग्स या बीमारी, और लॉजी का मतलब उसकी स्टडी। ठीक है, मैंने तीनों को एक्सप्लेन किया है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसे याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला है द स्टडी ऑफ द डिसीज, यानी कि किसी भी बीमारी के पढ़ाई को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे कहेंगे पैथोलॉजी। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि पैथो का मतलब होता है फीलिंग। पैथो का मतलब क्या होता है? फीलिंग, या कोई हमारी बीमारी, उसकी पढ़ाई को बोलते हैं पैथोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बीमार पड़ते हैं, आपको खांसी, जुकाम, सर दर्द, बदन दर्द, इस तरीके की नॉर्मल बीमारी होती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उस डॉक्टर को कहा जाता है पैथोलॉजिस्ट। उस डॉक्टर को क्या कहा जाता है? पैथोलॉजिस्ट। ठीक है, अगला देखिए, अगला है ए स्टाइल इन विच ए राइटर डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। डिस्प्ले ऑफ का मतलब हो जाता है सेल, मतलब एक तरीके से शो ऑफ करना। डिस्प्ले ऑफ का मतलब क्या होता है? शो ऑफ करना। और जिस तरीके से शो किया जाता है, पर्टिकुलर तरीके से, उसको बोलते हैं पैरेंटिक। पैडेंटिक मतलब हो जाता है पंडिताऊ। पंडिताऊ आप हिंदी में जैसे कई बार बोलते हैं ना, पंडित मत बनाकर, पंडित की तरह ज्ञान मत दो। ठीक है, कई लोग क्या होते हैं कि अपने आप को शास्त्री समझते हैं और ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, तो उसी स्टाइल को कहा जाता है हिंदी में पंडिताऊ, इंग्लिश में पैडेंटिक। तो पंडिताऊ से आप लिंक करिए पैडेंटिक को, तो आप इसे याद रख पाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, हैविंग नेचुरल टेंडेंसी टू समथिंग। नेचुरल टेंडेंसी का मतलब होता है प्राकृतिक रुझान, मतलब आप नॉर्मली उस काम को करने के लिए आतुर होते हैं, या आपका झुकाव उस तरीके से होता है, उसको कहते हैं प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी याद रखिएगा, प्रो का मतलब ही होता है ना किसी से रिलेटेड, प्रोपेंसिटी। ठीक है, देखिए एक शब्द और मैं बताता हूँ जिसका, जो होता है डिस्पोज। मुझे बताइए कि डिस्पोज का मतलब क्या होता है? मैं आपसे पूछूंगा, आप बोलेंगे कि डिस्पोज का मतलब होता है जाने देना, छोड़ देना या वेस्ट करना, तो मैं बोलूंगा कि ये तब होगा जब आप इसके पीछे प्रीपोजिशन ऑफ लगाएंगे। लेकिन अगर आप डिस्पोज के पीछे प्रीपोजिशन टू लगा देंगे तो उसका मतलब होगा विलिंग टू डू समथिंग, यानी कि किसी काम को करने की तरफ आपका रुझान है, प्रोपेंसिटी। ठीक है, तो डिस्पोज के बाद जब ऑफ लगेगा, जब टू लगेगा, आपको दोनों ही ध्यान से देखना है। अगला देखिए, चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, यानी उन बच्चों को क्या कहा जाता है जिनके बच्चे का जन्म माता के, सॉरी, पिता के मरने के बाद होता है,
उसको कहते हैं पोस्ट ह्यूमस चाइल्ड, मरणोपरांत चाइल्ड। किसी भी चीज, कोई भी चीज अगर मृत्यु के बाद होती है तो उसको मरणोपरांत कहा जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई बुक किसी राइटर ने लिखी है और वो पब्लिश होने गई है। पब्लिश होने से पहले राइटर की डेथ हो जाए और उनकी मरने के बाद उस बुक को पब्लिश किया जाए तो उसे बोलेंगे पोस्ट ह्यूमस बुक। ठीक है, तो पोस्ट ह्यूमस का मतलब ही होता है कि आफ्टर द डेथ। पोस्ट का मतलब ही होता है ना, बाद में। अगला देखिए, थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, यानी उन वस्तुओं को क्या कहेंगे जिनको छुआ जा सके और जिनको महसूस किया जा सके। उनको कहते हैं पैल्पेबल, पैल्पेबल। ठीक है, टेंजिबल यानी स्पर्शनीय और जिसको आप छू सके, महसूस कर सके। अब देखिए, अगर टेंजिबल के पहले मैं IN लगा दूँ, इनटेंजिबल, तो इसका मतलब अपोजिट हो जाएगा। ऐसी चीज़ें जिसको ना तो आप छू सकते हैं और ना ही जिनको आप महसूस कर सकते हैं, और जिनको कर सकते हैं उसे कहा जाता है पैल्पेबल। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? देखिए, पैल्पेबल क्या होता है, थोड़ा पिलपिला होता है ना। पैल्पेबल क्या होता है, जैसे जेली हो गया, जेली, आप जेली पिलपिला होता है, आप उसको टच भी कर सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से याद रख लीजिएगा। अगला देखिए, स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स, यानी कि किसी और की राइटिंग्स से जब चोरी की जाती है तो उसे कहते हैं प्लेजरिज्म। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या टीवी भी देखेंगे तो कई बार, अगर कोई नोवेल है, कोई फिल्म स्टोरी है, कोई पोयम है, लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपकी चोरी हो जाती है, कोई और उसको अपने नाम से पब्लिश करवा देता है, तो उसे कहते हैं प्लेजियरिज्म। ठीक है, याद रखिएगा इसको, काफ़ी आप इसे सुने भी होंगे न्यूज़पेपर में, हेडलाइंस में, काफ़ी प्रचलित है ये। अगला देखिए, वन हु वॉक्स, जो चलता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पेडेस्ट्रियन। क्या कहते हैं उसे? पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाला यात्री। ठीक है, पैडे मतलब, पैड मतलब आपका पैर, पेडेस्ट्रियन उसका इस्तेमाल करने वाला। अगला देखिए, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। डार्क साइड ऑफ थिंग्स का मतलब हो जाएगा जो अंधेरावादी हो, यानी डार्क की तरफ देखता हो, जो हर चीज में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी को ढूंढता हो। जैसे कि भैया SSC का रिजल्ट नहीं आया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मतलब थोड़ा डार्क साइड में चले जाते हैं वो, उन्हें कहा जाता है निराशावादी। वो होता है पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी। एक होते हैं वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, उसे कहते हैं आशावादी। आशावादी को बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट, आशावादी को क्या बोलेंगे? ऑप्टिमिस्ट। और निराशावादी को बोलेंगे पैसिमिस्ट। तो एग्जाम में जब भी आपका पूछा जाएगा, दोनों ही ऑप्शन में होगा, पैसिमिस्ट भी और ऑप्टिमिस्ट भी, तो थोड़ा केयरफुली और ध्यान से आप करेंगे। ठीक है, याद करके जाइएगा अच्छे से एग्जाम में, ताकि आप सही कर पाए। अगला देखिए, क्विक टू जज एंड अंडरस्टैंड, यानी ऐसी चीज जिनको जज करना काफी आसान हो और उनको समझना भी काफी आसान हो, उसे कहते हैं परस्पिकेसियस। परस्पिकेसियस का मतलब होता है स्पष्ट बुद्धि वाला, क्रिस्टल क्लियर। आप लोग कई जगह इसको क्लियर के सेंस में भी देखेंगे। परस्पिकेसियस का मतलब भी होता है बिल्कुल क्लियर, जो काफ़ी आसानी से जिस अप टू पॉइंट चले, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसकी तरफ ही चले। ठीक है, तो परस्पिकेसियस याद रखिएगा। एक शब्द होता है कंस्पिकेसियस, पिकेसियस, कंस्पिकेसियस का मतलब भी क्लियर होता है। ठीक है, तो कंस्पिकेसियस हो, परस्पिकेसियस हो, आप दोनों को एक रिलेट करके याद रख सकते हैं। कंस्पिकस मतलब होता है, सॉरी, कंस्पिकेसियस मतलब होता है क्लियर, बिल्कुल साफ, एकदम क्रिस्टल, जिसमें कोई डाउट ना हो, अनडाउटफुल। तो परस्पिकेसियस मतलब भी हो गया जिसको किसी भी चीज़ पे डाउट ना हो, एकदम इंटेलिजेंट टाइप का पर्सन। ठीक है, अगला देखते हैं, ए पर्सन हु लव्स आर्ट, कला का प्रेमी, उसे कहेंगे फिलोम्यूज। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है, PHIL से शुरू होने वाला जो वर्ड होता है वो किसी न किसी के लव से रिलेटेड होता है, क्योंकि फिलियस का मतलब ही होता है लव।
ठीक है। फिलोम्यूज मतलब कला का प्रेमी, जो कला से प्रेम करता हो। ठीक है, अगला देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए बॉडी, उसे कहते हैं पोस्टमार्टम करना। पोस्टमार्टम मतलब क्या होता है, जब भी किसी 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 की डेथ हो जाती है तो उसके डेड बॉडी के साथ मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, उसके शरीर की जांच पड़ताल की जाती है। जैसे कि अक्सर कई बार किसी का मर्डर होता है तो पोस्टमार्टम करवाया जाता है, ये जानकारी लेने के लिए कि उसकी जो डेथ हुई है शरीर के किस हिस्से के खराब होने की वजह से हुई है और वो खराब क्यों हुआ है, उसे कहते हैं पोस्टमार्टम। अगला देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्सीन सब्जेक्ट्स इन राइटिंग पेंटिंग एक्सेट्रा। ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्सीन, ऑब्सीन का मतलब ही होता है अश्लील, ऑब्सीन का मतलब क्या हो गया, अश्लील। तो उससे रिलेटेड लिखने को या पेंटिंग को उसे कहते हैं पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी मतलब अश्लील लेखन या उसकी पेंटिंग वगैरह टाइप की, याद रखिएगा। अगला देखिए, राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू ए पर्सन, यानी कि राइट या एडवांटेज, कोई अधिकार या किसी चीज़ में एडवांटेज जब किसी व्यक्ति को उपलब्ध होता है उसे कहते हैं प्रिविलेज। जैसे कि हमारे जो MLAs हैं, MPs हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको काफ़ी सारे प्रिविलेज अवेलेबल होते हैं। जैसे कि वो प्लेन में बैठेंगे तो उनका शायद फ्री होता है या कुछ टिकट हाफ लग जाता है, खाना पीना उनका फ्री होता है, उनके बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है, तो उनका आना जाना फ्री होता है, रहना घर फ्री में मिलता है। तो इस तरीके की काफ़ी प्रिविलेज जो असिस्टेंट मौजूद में होता है उनको, उसे कहते हैं एक प्रकार का प्रिविलेज, विशेष अधिकार। अगला देखिए, ए नंबर ऑफ पीपल प्रोसीडिंग टुगेदर इन एन ऑर्डरली वे, मतलब ए नंबर ऑफ पीपल यानी कि कुछ लोगों का जो समूह होता है वो एक ऑर्डरली वे में जा रहा होता है, उसे कहते हैं प्रोसेशन। प्रोसेशन याद रखिए, इसको हिंदी में बारात भी बोल देते हैं कई जगह, बारात निकलना, ठीक है। तो प्रोसेशन मतलब हो गया आपका जुलूस, याद रखिएगा प्रोसेशन, एक दो बार इसको पढ़िएगा, ठीक है। फिर आप क्या होता है कि फिर आप न्यूज़ में या कहीं कहीं इसे देखेंगे तो फिर आपको याद आएगा कि अच्छा आपने इसे पढ़ा हुआ था। अगला देखिए, ए पर्सन ऑफ रिमार्केबल टैलेंट, मतलब क्या हुआ इसका, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ काफ़ी स्पेशल टाइप की स्किल्स हो, टैलेंट हो, उसे कहते हैं पोर्टेंट। ठीक है, पोर्टेंट मतलब पोर्टेंट, स्पेलिंग याद रखिएगा इसकी, पोर्टेंट मतलब स्पेशल, इंटेलिजेंट, थोड़ा स्किलफुल, मार्वल, मार्वल का तो मतलब ही होता है ना चमत्कारिक, मार्वलस बोलते हैं हम लोग, प्रोडिगी विशेष लक्षण वाला, स्पेशल टैलेंटेड। आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा प्रोडिगी सन करके कोई स्टोरी है अपनी अपनी स्कूल बुक में, ठीक है। अगला देखिए, वन हु फ्लर्ट्स विद लेडीज, जो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता है उसे कहते हैं फ्लैंडरर, इश्कबाज इन हिंदी, फ्लैंडरर, ठीक है, याद रखिएगा इसको। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था PHIL से किसी भी वर्ड का स्टार्ट होगा तो वो क्या होता है, मुझे कमेंट में बताइए मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है। हालांकि ये नेगेटिव वे में होता है, किसी भी को आप फ्लैंडरर बोलेंगे तो वो एक नेगेटिव नेगेटिव वे में उसको बोल रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अगला देखिए, अ रिमार्केबल टैलेंट प्रोडिजी, ये प्रोडिगी आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था तो ये काफ़ी आसान है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, इक्वल इन रैंक और टू गेज एट, इक्वल इन रैंक मतलब बराबरी का होना और गेज एट का मतलब होता है स्टेयर एट, कहीं घूरना, ताकना, झांकना, उसे कहते हैं पीर। पीर मतलब आपका दो वर्ड निकल गया यहाँ से, एक तो निकल गया ताका झाकी करना, ताकना, या फिर किसी के इक्वल होना, बराबर होना। एक शब्द होता है पीप, पीप का मतलब भी होता है ताकना झांकना। अगर आप पीप के बाद इंटू लगा देंगे तो ये होता है पीप इंटू, यानी अंदर की तरफ झांकना। अगर आप पीप के बाद आउट लगा देंगे तो ये होता है पीप आउट, इसका मतलब होता है बाहर की तरफ झांकना, ठीक है। पीप इंटू घर के किसी चीज के अंदर झांकना, पीप आउट बाहर की तरफ झांकना। अगला देखिए, अगला है फूड एग्रीज विद वंस टेस्ट, इसका मतलब उस खाने को क्या कहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए टेस्टी होता है,
हमारे टेस्ट के लिए एग्रीड होता है, उसे कहते हैं पैलेटेबल यानी स्वादिष्ट। देखिए आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा पैलेट, जिसका मतलब होता है तालू, हमारे हमारे मुंह के अंदर तालू होता है जो, ठीक है, तो उसी से आप याद रख सकते हैं पैलेटेबल, मतलब हो जाएगा आपका स्वादिष्ट, पैलेटेबल, ठीक है, स्वादिष्ट, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला, फनी इमिटेशन ऑफ ए पोयम, फनी इमिटेशन ऑफ ए पोयम उसे कहते हैं पैरोडी। मतलब क्या होता है कि इमिटेशन का मतलब क्या होता है, इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, एम्यूलेट करना, कॉपी करना। इमिटेशन का मतलब क्या होता है, नकल करना, कॉपी करना, कार्बन कॉपी छापना। तो कई बार कई पोएम्स की ना आपने सुना भी होगा, क्या करते हैं उसका एक फनी वर्जन निकाल देते हैं। फनी वर्जन मतलब थोड़ा बहुत शब्दों का हेर फेर कर देंगे, ट्यूनिंग है वो सेम होती है, तो उसे कहते हैं पैरोडी, ठीक है, पैरोडी सॉन्ग आप लोगों ने कई बार सुना होगा। अगला देखिए, अगला है टू एक्सप्लेन ए स्पिरिचुअल ट्रूथ, टू एक्सप्लेन ए स्पिरिचुअल ट्रूथ, नीति कथा, या आप इसे ध्यान से देखिए, शिक्षा देने वाली कहानी। शिक्षा देने वाली कहानी को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पैरेबल। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, पहले तो मैं आपको एक शब्द बताता हूँ, फेबल, मैंने आपको पढ़ाया था, पॉज करिए और मुझे बताइए फेबल का मतलब क्या होता है। फेबल का मतलब होता है एक ऐसी स्टोरी जिससे आपको मोरल मिले यानी कोई शिक्षा मिले, लेकिन उसके अंदर किसी एनिमल का जिक्र किया गया हो, जैसे कि अंगूर खट्टे हैं, लालच बुरी बला है, ऐसे कई सारे स्टोरीज हैं जिसमें एनिमल का यूज़ करके आपको शिक्षा दी जाती है, कैरेक्टर्स एनिमल होते हैं, उसको कहा जाता है फेबल। पैरेबल भी हो गया आपका मोरल, जो आपको मोरल दे, है ना, तभी इसको नीति कथा कहते हैं। लेकिन इसमें जानवर नहीं, इसमें ह्यूमन यानी मनुष्य का, मनुष्य कैरेक्टर का कैरेक्टर हो, जब मनुष्य हो कहानी में और हमें शिक्षा दी जाए उसको कहते हैं पैरेबल, लेकिन जब जानवर हो उसे कहते हैं फेबल। अगला देखिए, राइड ऑन समवन एल्स बैक, यानी किसी की बैक पीठ पर बैठकर सवारी करना, उसे कहते हैं पिगी बैक। क्या कहते हैं, पिगी बैक, ठीक है, याद रखिएगा इसे। मुझे बताइए पिगी बैक मतलब, पिगी बैंक मतलब क्या होता है, पिगी बैंक आप लोगों ने जरूर पिगी बैंक कई बार सुना होगा। अगला देखिए, अगला है ए चाइल्ड कॉइन बैंक, ओके, यहाँ पे आ गया हमारा पिगी बैंक जो मैंने अभी आपसे पूछा था। पिगी बैंक हिंदी में कहते हैं गुल्लक, चाइल्ड का कॉइन बैंक होता है, आप लोगों ने बचपन में कई सारे कुछ पिगी बैंक तो अपने पास जरूर रखा होगा, यानी हिंदी में गुल्लक कहते हैं। पहले तो इसी शेप में आता था, जैसे है ना मटकी शेप में आता था जो कुम्हार के यहाँ से लेके आते थे, लेकिन बाद में ये वेरियस डिजाइन में, प्लास्टिक में, स्टील में आने लगा, कई सारे डिजाइन, लंच बॉक्स, घर के शेप का, लेकिन जो स्टार्टिंग में जिसे आता था ना वो बिल्कुल सुअर, सुअर की शेप का होता था, ठीक है, यहाँ कॉइन डाल करके आप उसमें सेव करते थे पैसों को, तो इसीलिए इसको पिगी बैंक कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो मुझे बताइए कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, इसके बाद हमारा 14 पार्ट भी आएगा, सारे पार्ट्स देखिए अच्छे से, वन वर्ड के बाद हम ईडियम फ्रेजेस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो वीडियो आज का यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।